Hello friends, welcome my channel again. आज दोपहर में कुछ BTST का कॉल मैंने पोस्ट किया था मेरे ग्रुप में, तो उसका ही थोड़ा इलेबोरेट करते हैं कि क्यों मैंने ये तीन स्टॉक देखा हूँ, वेल, एक्सिस बैंक एंड इमामी, और इसका ओवरव्यू क्या है मेरे हिसाब से। पहले तो जो मैंने पहले जो स्टॉक चुना है वो है भेल। भेल में एक घंटे का चार्ट है। एक्चुअली एक घंटे का चार्ट में अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि जो पिंक एंड रेड क्रॉसिंग था ग्रीन चैनल के, तो वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका था एक तारीख को। एक तारीख 11:30 के करीब, 11:15 का टाइम था, तभी एक क्रॉस हुआ था। इसका जो तब का प्राइस था 91.20। तब से टिल नाउ ये स्टॉक कॉन्सुलेट हो रहा है इस लेवल पर। इसका जो अभी तक का जो RSI लेवल है वो देख पा रहा हूँ कि वो 30 से ऊपर है, अभी 42 में रन कर रहा है, 42 प्लस पे। तो मेरा व्यू है कि लास्ट जो लो बनाया था इस स्टॉक में 89.54, मीन्स इसका एक सपोर्ट लाइन रेडी हो गया है। इसका सपोर्ट लाइन मैंने मान के चलो कि 89 इसका सपोर्ट लाइन है। तो इस सपोर्ट अगर तोड़ दे तो ये स्टॉक नीचे आ सकता है, मगर मेरा चैनल दिखा रहा है कि इस स्टॉक ऑलरेडी एक्युमुलेशन मूड में चला गया है एक घंटे के चार्ट में। तो ये स्टॉक हो सकता है कि ऊपर भाग सकता है। निफ्टी का थोड़ा डाउनग्रेड का प्रेशर है, इसलिए इस स्टॉक अभी इस रेंज पे एक्युमुलेट कर रहा है। तो अगर मैं एक छोटा भी चैनल ड्रॉ करूँ तो तब देख पा रहा हूँ कि ये स्टॉक एक ब्रेकआउट लेवल पे भी खड़ा हुआ है। तो इसलिए मैंने ये स्टॉक चुना हूँ, और इसका जो प्राइमरी जो टारगेट दिया हुआ हूँ तो इसको मैं 92 के आसपास, क्योंकि ये 92 के आसपास लास्ट स्पाइक में एक 91.80 मारा था, तो ये पुराना कुछ लोअर साइड मैंने देखूँ तो 92 का एक तब का सपोर्ट लेवल था। तो फिर से एक बार 92 एक बार टच होना चाहिए, एंड इसका 34 मूविंग एवरेज का जो बाउंड्री है इसमें दिखा रहा है 92.77, करीबन 93। तो मेरा जो एक्चुअल व्यू है कि 89 का इसका सपोर्ट दिया हुआ हो, अभी इसका प्राइस चल रहा है 90.40 के आसपास, और इसका टारगेट जो है 92 से 93 तक। एक घंटे का चार्ट है, मैक्स टू मैक्स इसको एक दो दिन होल्ड कर सकते हैं कैश और फ्यूचर, एज पर आपका कैश मैनेजमेंट में, मनी मैनेजमेंट में जितना लिमिट है उसके हिसाब से आप ट्रेड करिए। मस्ट कैश में 89 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, क्योंकि 89 अगर तोड़ दिया तो ये स्टॉक और भी नीचे आ सकता है। सेकेंड है एक्सिस बैंक।